हेलो दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सबका स्वागत है। और यहाँ मैं करता हूँ मोबाइल फोन्स की अनबॉक्सिंग प्लस कंपैरिजन, जिससे आपको एक नया स्मार्टफोन परचेज करने में कोई दिक्कत ना आए। तो आज मैं लेके आया हूँ वीवो के दो स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन वीवो Y20Z और दूसरा वीवो Y21। दोनों मोबाइल की अनबॉक्सिंग प्लस कंपैरिजन करेंगे एक साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों स्मार्टफोन के प्राइस जान लेते हैं। तो दोनों हमारे पास हैं 4GB 64GB वेरियंट। वीवो Y20Z आपको 13,000 रुपए के आसपास और Vivo Y21 आपको 14,000 रुपए के आसपास मिल जाएगा। और दोनों में आपको 5000mAh की बैटरी दी गई है। इसके अलावा जो भी खास दिया गया है वो हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, चैनल पे आए हो पहली बार। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा दीजिए। बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो बिना समय गवाए जल्दी से करते हैं दोनों मोबाइल की अनबॉक्सिंग स्टार्ट। तो ये रहे दोनों स्मार्टफोन। Vivo Y21 में आपको मोबाइल का डिजाइन बॉक्स में दिया गया है। ऊपर रैम और स्टोरेज को दोनों स्मार्टफोन में मेंशन किया गया है। बैक साइड में हेडलाइन फीचर्स, जिन्हें मैं आपको आगे बताता रहूंगा। बॉक्स ओपन करते ही सबसे ऊपर आपको एक एक मिनी बॉक्स देखने को मिलते हैं। अंदर आपको सिम इजेक्टर पिन, क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल, वारंटी कार्ड और फोन की सेफ्टी के लिए आपको फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन के कवर दिए गए हैं, काफी अच्छी क्वालिटी के। इसके बाद स्मार्टफोन जिन्हें फिलहाल रख लेते हैं साइड में और अंदर देखें तो यहाँ पर आपको IMEI स्टिकर्स और चार्जर अडाप्टर USB केबल दी गई है। दोनों स्मार्टफोन के साथ 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर दिया गया है 5V 2A की आउटपुट रेटिंग के साथ। और दोनों में आपको व्हाइट कलर की USB केबल मिलती है, माइक्रो USB केबल Y20Z में और टाइप सी USB केबल आपको Vivo Y21 में मिलती है। और ये रहे दोनों स्मार्टफोन जिनका फ्रंट लुक बिल्कुल एक जैसा आपको देखने को मिलेगा। साइज एक जैसा है, वेट भी बिल्कुल एक जैसा लग रहा है। साथ में आपको स्क्रैच गार्ड पहले से लगे हुए मिल जाते हैं। दोनों मोबाइल ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आते हैं। और ये रहे दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल। दोनों में आपको बिल्कुल प्लेन बैक पैनल देखने को मिलते हैं। नीचे वीवो की ब्रांडिंग की गई है। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको कहीं नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन में आपको साइड माउंटेन रियर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। इसके अलावा आपको यहाँ पर फिलिंग ग्लास फिनिश वाली आएगी, लेकिन है प्लास्टिक बॉडी। ग्लाइड रिफ्लेक्शन भी आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। और कैमरा सेटअप पे नजर डालें तो Vivo Y20Z में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें आपको प्राइमरी कैमरा 13 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा विद LED फ्लैश लाइट। वहीं Vivo Y21 में आपको ओनली 2 कैमरा बैक साइड में देखने को मिलेंगे, जिसमें प्राइमरी कैमरा 13 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा विद LED फ्लैश लाइट दिया गया है। फ्रंट में दोनों स्मार्टफोन के ड्रॉप नॉच के अंदर आपको 8 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा मिलते हैं। दोनों स्मार्टफोन की पावर ऑन कर दी है और ब्राइटनेस लेवल 100% कर दिया है। तो करीब से आपको दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले दिखाएं तो दोनों स्मार्टफोन में आपको काफी ब्राइट डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। कलर्स ज्यादा आपको Vivo Y20Z में देखने को मिलेंगे। 480 निट्स की ब्राइटनेस आपको दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिलती है। वहीं आइकन आप देख सकते हैं, यूजर इंटरफेस देखें तो स्क्रॉल अप करने पर यहां आपको सारी की सारी एप्स देखने को मिल जाती है। दोनों स्मार्टफोन में आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है। कुछ फालतू प्री इंस्टॉल ऐप भी आपको यहाँ पर मौजूद मिल जाएंगी, हालांकि आप इन्हें अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले साइज की। तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 6.51 इंच की HD प्लस IPS LCD दी गई है, जिसका एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 pixel और पिक्सल डेंसिटी 270 PPI की दोनों स्मार्टफोन में दी गई है। हाइट की बात करें तो 164.4mm की हाइट आपको Y20Z में और 164mm की हाइट आपको मिलती है Y21 में। थिकनेस की बात की जाए तो 8.4mm की थिकनेस Y20Z में और Y21 में आपको मात्र 8mm की थिकनेस मिलती है। वेट भी यहां पर 192.3 ग्राम है Y20Z का और 182 ग्राम Y21 का वेट है। दोनों में आपको 5000mAh की बैटरी मिलती है। इसके अलावा दोनों मोबाइल के राइट साइड में पावर ऑन की प्लस वॉल्यूम रॉकर, ऊपर Y20Z में कुछ नहीं मिलता है। Y21 में आपको सिम ट्रे ऊपर की साइड दी गई है और इसमें आप 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड तीनों एक साथ लगा सकते हैं। लेफ्ट साइड में Y20Z में सिम ट्रे मिलती है और यहाँ भी बिल्कुल सेम है। और बॉटम में 3.5mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर दिए गए हैं।
दोनों ही स्मार्टफोन दो दो कलर वेरिएंट के साथ मिलते हैं। Vivo Y20Z आपको ऑब्साइडन ब्लैक कलर और प्योरेस्ट ब्लू कलर वेरिएंट में मिलता है और Y21 आपको मिलता है डायमंड ग्लू कलर और मिड नाइट ब्लू कलर। हमारे पास मिड नाइट ब्लू कलर और प्योरेस्ट ब्लू कलर अवेलेबल है। चलिए अब दोनों स्मार्टफोन की सेटिंग को एक साथ ओपन करें तो यहाँ पर जो इंटरफेस है दोनों में थोड़ा बहुत अलग आपको देखने को मिलेगा। सबसे नीचे अबाउट फोन सेक्शन दिया गया है, इससे हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ जो अबाउट फोन सेक्शन का अंदर का इंटरफेस है वो भी आपको दोनों स्मार्टफोन में अलग अलग देखने को मिलता है। सबसे पहले Y20Z का देखते हैं यहाँ पर, तो इसमें आपको 4GB रैम, 64GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है, 2.0GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है और चिपसेट मीडिया टेक हीलियो Z80 गेमिंग चिपसेट आपको इसमें मिल जाता है। फन टच OS 11 ग्लोबल आपको इसमें मिलता है, एंड्रॉइड वर्जन 11 दिया गया है। और अब नजर डालते हैं Vivo Y21 की सेटिंग में, तो फन टच OS आपको इसमें लेटेस्ट मिल जाता है जिसका वर्जन है 11.1 ग्लोबल और अंदर देखे तो 2.3GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है। चिपसेट आपको इसमें मीडिया टेक हीलियो P35 का एक आउटडेटेड चिपसेट डाल दिया है इस स्मार्टफोन में। बाकी एंड्रॉइड वर्जन इसमें भी आपको 11 मिल जाता है। रैम आपको इसमें 4GB प्लस 1GB आप एक्सटेंड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर की मदद से, यानी कि टोटल 5GB की रैम आपको इसमें मिल जाती है। दोनों मोबाइल में आप एक्सपेंडेबल मेमोरी को 256GB तक बढ़ा सकते हैं। एक छोटी सी नजर दोनों स्मार्टफोन के कैमरा पर डालें तो नॉर्मल मोड में हमने दोनों स्मार्टफोन के कैमरा को ओपन किया हुआ है, करीब से आपको दिखाएं तो लगभग एक जैसी क्लैरिटी आपको दोनों स्मार्टफोन के कैमरा से देखने को मिलती है। थोड़ी सी बेटर क्वालिटी यहाँ पर Y20Z की लग रही है। जूम करके देख लेते हैं तो मात्र 4 गुना जूम आप कर सकते हैं, वहीं Y21 से करें जूम तो इससे भी आप 4 गुना तक ही जूम कर सकते हैं। ये रही दोनों स्मार्टफोन की फुल जूम क्वालिटी। इसके अलावा आपको पैनोरमा मोड, पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है। मोर सेटिंग में देखें तो दोनों स्मार्टफोन में आपको टाइम लैप्स का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा आपको Vivo Y21 स्लो मोशन नहीं दे रहा है, जबकि Y20Z में आपको स्लो मोशन का ऑप्शन भी मिल जाता है। और ये रहे दोनों स्मार्टफोन के 8 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा। तो सेल्फी कैमरा में कोई अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल एक जैसा कैमरा लग रहे हैं। आपको किसका कैमरा ज्यादा बेस्ट लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन में 12nm का फैब्रिकेशन दिया गया है। ग्राफिक माली Z52 के आपको Vivo Y20Z में और पावर VR G8320 के मिलते हैं Vivo Y21 में। तो फ्रेंड्स, ये थे 13-14 हजार रुपए के अंदर मिलने वाले Vivo के बेहतरीन महंगे स्मार्टफोन। जी हाँ, महंगे इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जो पे कर रहे हैं वो सिर्फ इस डिजाइन का ही पे कर रहे हैं। तो फीचर्स जो आपको 8-9 हजार रुपए के मोबाइल में मिलते हैं वही आपको इन दोनों स्मार्टफोन में दिए गए हैं। हालांकि Vivo Y20Z में आपको चिपसेट अच्छा दिया गया है मीडिया टेक हीलियो Z80 का, लेकिन यहां देखिए आप 14,000 रुपए Y21 पे खर्च कर रहे हैं और आपको क्या दिया है इसमें मीडिया टेक हीलियो P35 का एक आउटडेटेड चिपसेट। इतना महंगा फोन होने के बाद भी चिपसेट इतना घटिया डाल दिया है Vivo वालों ने। और देखिए यहां पर दोनों स्मार्टफोन आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले तक नहीं दे रहे हैं इतनी कीमत लगाने के बावजूद। इसके अलावा 18W का फास्ट चार्जर दोनों मोबाइल में मिल जाता है, जो कि अब नॉर्मल बात हो गई है। 8-9 हजार रुपए की कीमत में भी आपको 18 वॉट का फास्ट चार्जर मिल जाता है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके जरूर काम आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।